नमस्ते, नीता इन किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं माउथ फ्रेशनर, जिसे मुखवास भी कहा जाता है। जब भी हम खाना खाते हैं तो उसके बाद हम इसे खाते हैं। सॉफ्ट के होने से यह डाइजेशन में भी हमारी मदद करता है। तो आइए हम बनाते हैं मुखवास। माउथ फ्रेशनर बनाने के लिए हमें चाहिए 125 ग्राम मीठी सौंफ, 125 ग्राम सूखा हुआ खोपरा, 50 ग्राम मीठी लच्छा सुपारी। आप चाहे तो मीठी बारीक बोन सुपारी का भी यूज किया जा सकता है। 50 ग्राम गुलकंद, 50 ग्राम गुलाब कतरी, 1 टीस्पून चमन बहार, 1 चुटकी या 1/8 टीस्पून पिपरमेंट। हम सभी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और हमारा माउथ फ्रेशनर बनकर तैयार हो जाएगा। सबसे पहले हम खोपरे और सौंफ को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें मीठी सुपारी डालेंगे और इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें गुलाब कतरी डालेंगे, चमन बहार डालेंगे, पिपरमेंट डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये सारी सूखी चीजें हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें गुलकंद डालेंगे, क्योंकि गुलकंद होता है वो गीला होता है। और फिर सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्योंकि गुलकंद हमारा गीला होता है तो इसीलिए हमें थोड़े हाथों की सहायता से इसे सब में मिक्स करना पड़ेगा। इससे हमारा माउथ फ्रेशनर हल्का सा गीला गीला बनेगा और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। अक्सर यह देखा जाता है कि खाने के बाद हम माउथ फ्रेशनर खाना पसंद करते हैं और बाजार से जब हम लाते हैं तो वह खाने में तो अच्छे होते हैं पर बहुत ही महंगे होते हैं। जब हम इसे घर में बनाते हैं तो इसमें हम क्वांटिटी हमारे हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और यह बाजार से काफ़ी चीप पड़ते हैं और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। हाथों की सहायता से हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। देखा इसे बनाना कितना आसान है और यह कितनी जल्द तैयार हो गया है। अब आप भी इसे बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। मेरे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब टैब पर क्लिक करें। थैंक यू।